झारखंड में मैट्रिक व इंटर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का मिला आखिरी मौका। 9वीं व 11वीं के छात्र इस तारीख तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका दिया है। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि 9वीं व 11वीं कक्षा के अभ्यर्थी 15 मार्च तक अवश्य रजिस्ट्रेशन करा ले, वहीं मैट्रिक व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए भी 15 मार्च तक का मौका दिया गया है। इसके बाद अवसर नहीं दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव महीप कुमार सिंह ने कहा कि मैट्रिक व इंटर के वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके उन्हें भी अवसर दिया जा रहा है। परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए मैट्रिक व इंटरमीडिएट के छात्र भी 15 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। नई दिल्ली में स्टेक होल्डर मीट में सीएम हेमंत सोरेन ने उद्यमियों को दिया निवेश का नियंत्रण। बोली वैल्यू एडिशन करे तो देश के अग्नि राज्य में शुमार होगा झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड वो सभी आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं मौजूद है जो एक उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी है। यह किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उसे त्रासने की, वैल्यू एडिशन करने की। राज्य में मौजूद संसाधनों का वैल्यू एडिशन कर पाए तो झारखंड देश के अग्नि राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा और इसमें उद्योग जगत के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार आपको आश्वस्त कराती है कि आप झारखंड आएं और उद्योगों को स्थापित करें, सरकार आपके साथ है। सीएम आज शनिवार को नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित स्टेक होल्डर मीट में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में मौजूद खनिज संपदा से झारखंड की अलग पहचान हो तो ही साथ ही यहां स्थापित उद्योगों ने भी झारखंड को देश सहित विश्व में अलग पहचान दिलाई है। झारखंड के निजी अस्पतालों में अब इतने घंटे लगेंगे कोरोना का टीका, झारखंड सरकार ने दिया आदेश। झारखंड में कोरोना टीकाकरण के लिए चिन्हित सभी निजी अस्पतालों को 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने इस बाबत सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा है कि सभी योग्य निजी स्वास्थ्य संसाधनों को COVID-19 के टीके तक कीमत पर उपलब्ध करवाए, इन्हें लॉजिस्टिक तथा सिरिंज अब कट्टर आदि उपलब्ध नहीं करवाना है। केंद्र सरकार से पहले झारखंड सरकार ने मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने की भेजी अनुशंसा। झारखंड सरकार ने राज्य के मीडिया कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करते हुए उन्हें कोविड टीका देने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की है। स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार के NHM के मिशन डायरेक्टर वंदना गुरुनानी को पत्र भेजकर इसकी मांग की है। गौरतलब है कि इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मीडिया कर्मी भी लगातार जान की परवाह किए बगैर कोरोना से जुड़ी सारी जानकारियां पहुंचाते हैं और खतरा मोल लेते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार से पूछा कितने सरकारी स्कूलों के पास हैं खेल के मैदान। झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लागू संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए संशोधित नियमावली में भूमि का जो प्रावधान किया गया और जो शर्तें लगाई गई हुआ सरकारी विद्यालयों के मामले में क्यों नहीं लागू होगा। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सरकारी विद्यालयों में आते हैं राज्य के कितने विद्यालयों के पास प्लेग्राउंड है, जिसके पास प्लेग्राउंड नहीं है उनके लिए क्या सरकार भूमि का प्रबंध करेगी ताकि प्लेग्राउंड मिल सके।
अब 50,000 नहीं बल्कि इतने लाख रुपए तक किसानों का होगा ऋण माफी, झारखंड सरकार ने की घोषणा। बजट पर राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 1,00,000 रुपये तक का कृषि ऋण माफ होगा। अभी राज्य में 50,000 रुपये तक के ऋण किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। अगले साल लोन माफी के लिए सरकार ने 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। श्री उरांव ने कहा कि सरकार आने वाले वित्त वर्ष में 3.65 लाख दिव्यांगों को 1,000 रुपये प्रतिमा पेंशन देगी। हेमंत सरकार को अर्थव्यवस्था को पूरी जानकारी है, राज्य में आर्थिक गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाए इसका ज्ञान है। इसी कारण सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है जिससे लोगों के पॉकेट में पैसा जाए, या तो आर्थिक सहायता से संभव या सब्सिडी से। सरकार ने तय किया है कि 15,00,000 लोगों को राशन कार्ड बनाया जाएगा। झारखंड के 4 मॉडल कॉलेज की स्थिति दयनीय। फरवरी में हुआ था उद्घाटन लेकिन नामांकन हुए सिर्फ इतने। रांची विश्वविद्यालय के 4 नए कॉलेजों में नामांकन की स्थिति बेहद ख़राब है। इनमें 2 मॉडल कॉलेज और 2 महिला कॉलेज। एक माह पहले जारी नामांकन प्रक्रिया के तहत हर कॉलेज में 120 सीटों पर नामांकन होना था। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 25 फरवरी घोषित की गई थी, लेकिन चारों कॉलेजों में कुल मिलाकर अब तक 33 विद्यार्थी के ही आवेदन आए हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन को यह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन कॉलेजों में नामांकन की संख्या में बढ़ोतरी जरूर होगी। जानकारी के अनुसार रांची विश्वविद्यालय के 4 नए कॉलेजों का उद्घाटन इसी वर्ष फरवरी में किया गया है। इनमें मॉडल डिग्री कॉलेज बानो, मेडल डिग्री वर्ष फरवरी में किया गया था। इनमें मॉडल डिग्री कॉलेज बानो, मॉडल डिग्री कॉलेज घाघरा, विमेंस कॉलेज सिमडेगा और विमेंस कॉलेज लोहरदगा शामिल है। एक महीने पहले सभी कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया चांसलर पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर संस्था पैराडाइज ने लीडारी निकेतन की असहाय महिलाओं की सुध, 3 आश्रय गृहों को करेगी मदद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या यानी आज रविवार को संस्था पैराडाइज रांची के 3 आश्रय घरों को अगले 3 महीने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। आज इसकी शुरुआत की गई। इन 3 आश्रय घरों में स्नेह श्रम, बाल श्रम और प्रेमा श्रम शामिल है। समाज और परिवार द्वारा तिरस्कृत, बेसहारा, एकल और कभी कभी गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों के लिए रांची के कांके में स्नेह श्रम नारी निकेतन एक ऐसा ठिकाना है जहां उन्हें अल्पकालीन निवास एवं भोजन मुहैया कराया जाता है। सरकार द्वारा भवन का निर्माण करा दिया गया है, लेकिन राशि के अनियमित भुगतान के कारण परेशानी हो रही है। अब इसमें संस्था मदद कर रही है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।